इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर इलाके में सोमवार की रात आसिफ पर नशा करने वाले कुछ लोगों ने हमला किया। लोगों ने तलवार और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया, जिसमें फरियादी होटल संचालक आसिफ खान गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जीबी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। आपको बता दें, नशेड़ियों ने हमला कर मौका देख वहां से भाग निकले। वहीं आसिफ खान के सर में गहरा घाव होने से सर में 12 टांके आए हैं। बता दें, आरोपी क्षेत्र के आदतन नशेड़ी हैं। मामले में आसिफ खान ने बताया कि आए दिन मेरी होटल में आकर दादागिरी कर हफ्ता मांगते हैं, नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां देते हैं। क्षेत्र में भय कायम करने के उद्देश्य से आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। मारने वाले नशेड़ियों के नाम है मोनू तौसीफ, जैद रजा महफूज, अल्फेज रेहान, छोटू इजान और भी अन्य साथी हैं। फरियादी आसिफ खान ने बताया कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। नशेड़ियों ने दुकान का गल्ला भी लूट लिया, तोड़फोड़ अलग भी किया। आरोप है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सभी नशेड़ी आराम से घूम रहे हैं, अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आसिफ खान ने उम्मीद जताते हुए कहा कि डीसी साहब से हमने शिकायत की, उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, क्या घटना है आपकी, क्या मामला हुआ? आसिफ खान में वही नगर चौराहे भवपान के बेल के नाम से दुकान चलाता हूँ। वहाँ कुछ बदमाश आया, ग्रीन पार्किंग के पाउडर बाजे और वसूली करते हैं, मेरा गल्ला भी लूट गया दुकान का और मारपीट भी करी। मेरे दोनों बच्चे, मेरे बच्चे बालक के साथ भी चाकुओं को मारा उनको, मेरे सर पर तलवार मारी और हफ्ता मांगते हैं, वो हफ्ता नहीं देना पर बोले और जैद और तीन चार जने के नाम है, जैद रजा तौसीफ मोनू और यान मोटा या और इनके अन्य साथी। इन्होंने हमला क्यों करा? आपकी कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, पैसे नहीं देने पर दर मांगते, हफ्ता वसूली करते हैं। तो पैसे किस चीज के मांग रहे थे? बस हमारा नाम चलता, बोले हमें हफ्ता चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबी 24 न्यूज़।